नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका। आप देख रहे हैं जेके 24/7 न्यूज, आपके साथ मैं हूं कुणाल गोस्वामी। तो पूरे हिंदुस्तान में जहां एक तरफ 2024 के आम चुनाव को लेकर सियासी शोर है, उससे ज्यादा एक तरफ निगाहें जा टिकी है कि भाई आने वाले 5 सालों में क्या बड़े ऐतिहासिक फैसले होने जा रहे हैं। क्योंकि पीएम नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जब धन्यवाद प्रस्ताव दिया था, तो उन्होंने साफ कहा था कि भाई हम हैट्रिक लगाएंगे और जो तीसरा टर्म होगा वो बड़े ऐतिहासिक और साहसी फैसलों का होगा। और जब बड़े ऐतिहासिक और साहसी फैसलों की चर्चा होती है तो कई महत्वपूर्ण बिंदु निकलकर सामने आते हैं, चाहे CAA हो, चाहे NRC हो, चाहे हम बात कर ले वन नेशन वन इलेक्शन की। और अब एक बार फिर से एक देश एक चुनाव पर सीधे चर्चा होती नजर आ रही है। दरअसल एक देश एक चुनाव का सीधा सा अर्थ है कि देश में होने वाले तमाम चुनाव एक साथ कराए जाए। आजादी के बाद कुछ सालों तक लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ होते थे, लेकिन बाद में समय से पहले भंग होती विधानसभा या लोकसभा के कारण सरकार गिरी और यह परंपरा टूटती चली गई। अब रिपोर्ट्स की माने तो साल 2029 तक एक साथ चुनाव होने पर फैसला भी आ सकता है, इसे लेकर विधि आयोग सिफारिश कर सकता है। अब सीधा सा स्पष्ट सवाल यह कि इस वन नेशन वन इलेक्शन बिल लागू करने से नफा और नुकसान क्या होगा, आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। कुछ बेहद खास मेहमान हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होंगे, लेकिन शुरुआत हम पहली बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। वन नेशन वन इलेक्शन पर एक बड़ी अहम खबर से हम आपको रूबरू करा रहे हैं, जहां पर 2029 में एक साथ चुनाव का प्रस्ताव संभव होता नजर आ रहा है। तो विधि आयोग अपना प्रस्ताव रख सकता है, संविधान संशोधन की सिफारिश की संभावना भी नजर आ रही है। इधर सरकार गिरने पर यूनिटी गवर्नमेंट भी बनेगी। अब सूत्रों के हवाले से खबर है कि लॉ पैनल संविधान में एक नया चैप्टर जोड़ने की तैयारी कर रहा है। तो एक देश एक चुनाव यानी कि वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर बड़ी खबर, जहां पर 2029 तक यानी कि अगर सरकार रिपीट होती है और तीसरा टर्म होता है मोदी जी का, तो तीसरे टर्म में कुछ बड़े महत्वपूर्ण ऐतिहासिक फैसलों के बीच वन नेशन वन इलेक्शन की जो तस्वीर है 2029 तक वो फिर से सच्चाई का रूप ले सकती है। आजादी के बाद से देखा जाए तो चाहे 1952 हो, 1957 हो, 62 हो या 67 हो, एक साथ चुनाव हुए हैं, लेकिन समय के साथ कई विधानसभा समय से पहले भंग हुई, लोकसभा भी भंग हुई और ये परंपरा टूटती चली गई। लेकिन अब एक बार फिर से परिकल्पना की जा रही है देश का पैसा और समय बचाने के लिए, लिहाजा इसी पर हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन कुछ खास जानकारियां आपको ग्राफिक्स के माध्यम से आपके साथ रखने जा रही हैं। दरअसल 2029 के एक देश एक चुनाव को लेकर अगर बात की जाए तो क्या कुछ बुनियादी जानकारियां सामने आती हैं। विधि आयोग की सिफारिश संभव नजर आ रही है, संविधान में एक नया अध्याय या नया चैप्टर जोड़े जाने की संभावना भी प्रबलता से बढ़ रही है। लोकसभा और सभी विधानसभा चुनाव एक साथ संभव कराने की जो परिकल्पना है उसको लेकर जो कमेटी बनी है पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के नेतृत्व में, वो एक कदम आगे बढ़ा रही है। इधर वन नेशन वन इलेक्शन की बात की जाए तो एक साथ चुनाव के लिए 5 अनुच्छेदों में संविधान की संशोधन की जरूरत होगी। अनुच्छेद 83 की बात की जाए तो ये संसद के दोनों सदनों की अवधि से जुड़ा हुआ है। अनुच्छेद 85 की बात की जाए तो ये राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा के विघटन से जुड़ा हुआ है। अनुच्छेद 172 की बात की जाए तो ये राज्य विधानसभाओं की अवधि से जुड़ा हुआ है और अनुच्छेद 174 की बात की जाए तो ये राज्य विधानसभाओं के विघटन से जुड़ा है। अनुच्छेद 356 ये राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू करने से जुड़ा हुआ है। तो तमाम बुनियादी जानकारियां हम आपके साथ साझा कर रहे हैं, लेकिन एक नेशन एक चुनाव की अगर बात करते हैं तो कितनी चुनौतियां भी हैं। पहली, लॉ कमीशन की रिपोर्ट 2018 जो सामने आई उसमें मौजूदा संविधान के मुताबिक देश में एक साथ चुनाव कराना संभव नहीं है, जिसको लेकर बार बार विपक्ष बल दे रहा है कि आप सिर्फ चुनावी शिगुफे आगे बढ़ा रहे हैं, क्योंकि खुद ही जो चुनाव जो विधि आयोग है वो बात कर चुका है। इधर पीपल रिप्रेजेंटेशन एक्ट 1951 में भी संशोधन करना होगा, 50% राज्य संविधान संशोधन को मंजूरी दे तभी यह संभव होता हुआ नजर आएगा। इसके अलावा अनुच्छेद 83, 85, 172, 356 में संशोधन करना होगा,
संसद में दो तिहाई बहुमत से ही ये संभव होता हुआ नजर आएगा। इधर वन नेशन वन इलेक्शन समिति का जो काम है वो आप देखिए। पहला, संविधान और अन्य कानूनी ढांचे के तहत लोकसभा, विधानसभा, नगर पालिका, पंचायतों के चुनाव एक साथ कराने की संभावनाओं को तलाशना। इसके अलावा प्रतिनिधित्व अधिनियम व अन्य नियमों में संशोधन की जांच करना और सिफारिश करना। तीसरा महत्वपूर्ण काम, संविधान संशोधन के लिए राज्य के समर्थन की हो तो सिफारिश भी करना। इसके अलावा चुनाव के बाद अगर सदन त्रिशंकु हो, दल बदल हो या फिर अविश्वास नो कॉन्फिडेंस मोशन की बात हो, किसी तरह की स्थिति बने तो उसके समाधान की स्थिति को तलाशना। एक साथ चुनाव का फ्रेमवर्क देना, एक साथ चुनाव ना हो तो चरणों और समय सीमा का सुझाव दे और अन्य जरूरी सिफारिशें करें। इसके साथ एक बेहद महत्वपूर्ण सवाल आखिरकार कि किस तरह से वन नेशन वन इलेक्शन की परिकल्पना को जमीन उतारने के लिए केंद्र सरकार काम कर रही है और विपक्ष को किन किन मुद्दों को लेकर आपत्तियां हैं। लेकिन पहला बड़ा महत्वपूर्ण सवाल आखिरकार कि भाई 2029 तक कैसे एक साथ वन नेशन वन इलेक्शन की संभावना बन रही है। दूसरा, केंद्र सरकार का प्लान क्या है। तीसरा महत्वपूर्ण सवाल, वन नेशन वन इलेक्शन की जब आप बात करते हैं तो बहुत सारे अमेंडमेंट्स करने पड़ेंगे, बहुत सारी व्यवस्थाएं करनी पड़ेगी, इतना आसान नहीं होगा, तो क्या नुकसान होगा और क्या इससे फायदा होगा। एक और महत्वपूर्ण सवाल, क्योंकि विपक्ष को कॉन्फिडेंस मिलाना बहुत जरूरी है, एक साथ रहना बहुत जरूरी है, तो विपक्ष को अगर आपने अभी सुना तो जयराम रमेश हो चाहे सुप्रिया सूले हो, विपक्ष को एतराज क्यों है और क्या ये लोकतंत्र के लिए खतरा है वन नेशन वन इलेक्शन। इसी पर हम चर्चा को आगे बढ़ा रहे हैं। तीन बेहद खास मेहमान हमारे साथ इस कार्यक्रम की शोभा बन रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी से प्रदीप सिंह जी हैं, कांग्रेस पार्टी से स्वामीनाथ जायसवाल जी हैं, बहुत बहुत स्वागत आपका, और वरिष्ठ पत्रकार संदीप चौधरी जी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत शुक्रिया। प्रदीप जी, शुरुआत आप ही से ही कर रहा हूं, क्योंकि कुछ समय पहले जब राष्ट्रपति का अभिभाषण सामने आया था तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो अविश्वास जो अपना रखा था प्रस्ताव, उसमें कहा था जो तीसरा टर्म होगा वो बड़े ऐतिहासिक निर्णायक फैसलों का होगा, और जब ये बात होती है तो वन नेशन वन इलेक्शन पर सबकी सुइयां घूमती हुई नजर आती हैं, और अब एक बार फिर से इस पर चर्चाओं का बाजार गर्म है। किस तरह से आप आश्वस्त करेंगे, क्योंकि विपक्ष को तो थोड़ा कॉन्फिडेंस कम नजर आ रहा है, लोकतंत्र के लिए खतरा बता रहा है, किस तरह से आप आश्वस्त करेंगे कि वन नेशन वन इलेक्शन क्या महज शिगुफा बनकर रह जाएगा या वाकई में आने वाले 5 सालों में इसे जमीन पर उतारा जाएगा, और जो चुनौतियां हैं उसके लिए सरकार की प्लानिंग क्या है। पहले तो आपके नमस्कार और साथी पैनल में बैठे आदरणीय संदीप जी और जायसवाल जी को भी मेरा नमस्ते। आपने कार्यक्रम की शुरुआत में बोला कि पहले वन नेशन वन इलेक्शन होता था, यानी विधानसभाओं के चुनाव साथ साथ होते थे और फिर विधानसभाएं पीछे छूटने लगी, इस कारण से नहीं हुआ। अब दूसरी बात ये कि विपक्ष जब से आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनी है बीते 9.5-10 वर्षों में, विपक्ष को सरकार का कौन सा काम रहा है जो कि पसंद आया हो या जिस पे उन्होंने सहमति व्यक्त की हो, तो मुझे नहीं लगता, तो हम उसके आदती हो चुके हैं। विपक्ष जब जहां चर्चा करनी होती है सदन में, वहां पे उसका क्या रवैया होता है और सदन के बाहर क्या रवैया होता है कि देश की जनता देख समझ जान चुकी है, उस पर चर्चा करना अपने समय को बर्बाद करना है। दूसरा, एक थोड़ा सा हट के सोचते हैं हम, आप कांग्रेस के मित्र और संदीप जी, हम सभी में सभी किसी न किसी रूप में हर दिन कर देते हैं सरकार को, चाहे वो सामान क्रय करते हो चाहे कुछ भी करते हो, कर सरकार को जरूर जाता है, ये व्यवस्था है, इससे कोई बच नहीं सकता, चाहे पक्ष में रहे चाहे विपक्ष में रहे, इसका हमें पालन करना ही होगा। वर्ष 1998 में अटल जी की 6 महीने की सरकार जब गिरी थी, 6 महीने के बाद जो है दोबारा इलेक्शन घोषित हुए थे, ध्यान रखिएगा उस समय की मैं बात कह रहा हूं, आपको अंदाजा है कितने हजार करोड़ का जनता के कर के पैसे पे बोझ पड़ा था। 1998 में लगभग 27 साल पहले, या यूं कह लें कि 26 साल पहले 8000 करोड़ आज की भी समय में एक बहुत बड़ी कीमत है। जब सरकारी तंत्र को पूरा चुनाव कराना होता है तो कितने हजार रुपए लगते हैं और वो पैसे सरकार कहां से लाती है,
निश्चित तौर पे हमारे कर के पैसों से या जिन पैसों को विकास कार्यों में लगाया जा सकता था उन्हीं के पैसों को एडजस्ट करती है सरकार, ये चुनाव आयोग जो भी इसको करता है। तो क्या ये तर्कसंगत नहीं है? आप देखिए मोदी जी के नेतृत्व में काम तो होते आए, काम होंगे, इसमें तो मुझे आश्वस्तता की कोई कमी ही नहीं है। मैं तो एकदम आश्वस्त हूँ कि मोदी जी ने जब कहा कि कड़े फैसले लेने पड़ेंगे तो वो कड़े फैसले होंगे और उसको उतारना पड़ेगा, उतरेंगे वो फैसले। लेकिन हमारा असल काम है जनता के प्रत्येक व्यक्ति को समझाना। आज उज्ज्वला योजना, किसान सम्मान निधि योजना, ये जितनी भी आप किसानों का नाम लेकर की योजना डालें तो 25 योजनाएं इस समय गूगल सर्च में आती जो कि 2-2.5 पन्ने लगते हैं उसको पूरा कंप्लीट करके देखने में, हर केवल उसकी हेडिंग हेडिंग देखने में पूरी योजनाओं को पढ़ने के लिए बड़ा समय लगेगा। तो उन योजनाओं को जो की गरीब मजदूर और महिलाओं और युवाओं के लिए चलाई जा रही है केंद्र सरकार द्वारा, अगर उसी को थोड़ा गति देने के लिए सरकार ने फालतू पैसों की रोक को अगर कम रोक लगाती है, सरकारी पैसे का सदुपयोग करती है, तो कौन भारत देश का वासी होगा जो इसको मना करेगा? तो मैं ऐसा मानता हूं कार्यकर्ता होने के नाते जनता को और अपने लोगों को समझाना होगा। लेकिन सरकार बार बार आपत्ति जता रहा है कि भाई ये कहने सुनने में बहुत अच्छा लगता है कि वन नेशन वन इलेक्शन हो, लेकिन उसके लिए कितनी तैयारियां करनी होंगी, कितनी चुनौतियां होंगी, उसके लिए सरकार कितनी तैयार है? और इससे पहले तमाम चीजें थी जिसको लेकर सरकार ने बहुत बड़े गाजे बाजे के साथ अपनी चीजें रखी, लेकिन कब तक वो आएगा, कब लागू होगा, उसका पता नहीं। तो वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर हम कैसे आश्वस्त हो जाए? देखिए विपक्ष तो भ्रम फैलाने का काम है, विपक्ष भ्रम फैलाएगा ही, हम कोई नया थोड़ी कर रहे हैं। देश में पहले वन नेशन वन इलेक्शन पे चुनाव हुए हैं, तो जब पहले हो सकते हैं, जब टेक्नोलॉजी कम थी, संसाधन कम थे, तो आज तो टेक्नोलॉजी उससे ज्यादा है, संसाधन है सरकार के पास, तब तो और इफेक्टिव तरीके से हो जाएंगे। जहां तक रही विपक्ष की बात, तो विपक्ष का स्थिति पिछले 2 आम चुनाव में तो इफेक्टिव तरीके से करने के संसाधन है और चुनौतियां हैं, और चुनौतियों पर लगातार काम हो रहा है। छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं सर, लौटूंगा आपके पास, छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, जल्द हाजिर होंगे। उसके बाद चर्चा लगातार जारी है वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर, जो तमाम एक बार फिर से चर्चाओं का बाजार गर्म है। आखिरकार उसको लेकर पक्ष विपक्ष में क्या कुछ महत्वपूर्ण तर्क है, चर्चा जारी। छोटा सा ब्रेक, स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। वन नेशन वन इलेक्शन पर एक बार फिर से हम चर्चा को आगे बढ़ा रहे हैं। हमारे साथ 3 बेहद खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं। ब्रेक से पहले हमने सुना भारतीय जनता पार्टी से नेता प्रदीप सिंह जी कितने महत्वपूर्ण तथ्य देते हुए वहां पर नजर आए और बता रहे थे कि चुनौतियां बहुत है लेकिन सरकार दृढ़ संकल्पित है इस सपने को भी हकीकत में उतारने के लिए। क्योंकि जब शुरुआत हुई थी, जब देश आजाद हुआ था, चाहे 1952 हो, 1957 हो, 1962 हो या 1967 हो, तब वन नेशन वन इलेक्शन हुए हैं, लिहाजा एक बार फिर से क्यों नहीं। स्वामीनाथ जायसवाल जी, कुछ समय पहले हमने जयराम रमेश जी को भी सुना, वो कह रहे थे कि भाई अलोकतांत्रिक है, इसको जमीन पर उतारना इतना आसान नहीं होगा, बहुत सारे व्यवधान आएंगे, लिहाजा जो बेसिक समस्याएं हैं देश के सामने पहले उनका निपटान हो, उसके बाद इस पर आप चर्चा कीजिए। लेकिन कांग्रेस पार्टी का स्टैंड क्या कहता है? भारतीय जनता पार्टी तो संतुष्ट है कि भाई हम कर दिखाएंगे, हम दृढ़ संकल्पित हैं, हम बड़े फैसले लेते हैं और उन फैसलों को जमीन पर भी उतार देते हैं। स्वामीनाथ जी आवाज पहुंच रही है सर आप तक? हाँ, स्काइप का आवाज भेजिए, कैमरा आप तो बंद बोले बंद कर दीजिए तो मैं ठीक है। स्वामीनाथ जी आवाज पहुंच रही है तो सीधा स्पष्ट सवाल है, कांग्रेस पार्टी को आखिरकार वन नेशन वन इलेक्शन के मुद्दे पर आपत्ति क्या नजर आ रही है? भारतीय जनता पार्टी तो आश्वस्त है और कह रही है कि भाई जो तीसरा टर्म होगा बड़े ऐतिहासिक फैसले होंगे और बड़े ऐतिहासिक फैसलों में वन नेशन वन इलेक्शन भी है। चुनाव खत्म कर देंगे भारतीय जनता पार्टी के लोग, और ये जो पहले भी वन नेशन एक चुनाव एक संविधान चल रहा था, अनुच्छेद 74/1, 75, 163, 164 पर पूर्ण विचार के लिए कोविड जी कहे हैं, ये पहले भी था लेकिन कहाँ चल पाया। अलग अलग देश में अलग अलग चुनाव अब पूरे देश में है, विधानसभा पंचायत चुनाव को लेकर लोग एक चुनाव कराने के लिए आपको इतना जल्दी हो नहीं सकता, क्योंकि ये बहुत साल से ऐसा कराने के लिए सारे पार्टी को पहले तो आपको एक साथ लेना पड़ेगा, सारे पार्टी को आपको एक साथ लेकर बैठक कर उसके बाद विचार करना पड़ेगा, क्षेत्रीय दल को भी, और आप पंचायत तक कराना चाहते हैं लेकिन आपका मिशन तो है
लेकिन ये मिशन है, जैसे हमारे भाई प्रदीप भाई बता रहे थे कि मोदी जी काम करना चाहते हैं, तो मोदी जी पैसा बचाना चाहते हैं, तो पैसा अपने पूंजीपति साथियों को जो 54 लाख करोड़ लोन माफ कर देते हमारे टैक्स का पैसा को, तो वो उस समय क्यों नहीं बचाते? जो पुराने साथी आप लोग के लेकर जो पैसा भाग गए आज तक उनको पकड़ के ले नहीं आए, तो ये सब पैसा उससे भी बचता है ना। भारतीय जनता पार्टी से जो नेता है वो ये कह रहे हैं कि भाई गुड गवर्नेंस को गति मिलेगी, विकास कार्यों को और समय पर पहले आयोजित किया जाएगा, जो समय बर्बाद होता है राज्यसभा विधानसभा लोकसभा विधान परिषद ग्राम पंचायत के वो समय भी बचेगा, इकोनॉमिकली भी काफी महत्वपूर्ण है, तो बाकी चीजें भी तो है। एक और देखिए कुणाल भाई, इकोनॉमिकल तो बचेगा ही, लेकिन जो बचाने का कोशिश पहले आप क्या, आप तो पहले बोले थे कि जॉब लेके इतना सारा मैं नौकरी दूंगा, उसी पर तो चुनाव में 2 बार सरकार ने भ्रमित पड़कर हमारे युवा देश का जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से ज्ञान दिया गया और बोला गया 2 करोड़ नौकरी प्रति वर्ष दूंगा, ये करूंगा, भ्रमित करने वाले हैं। नहीं, भ्रमित करने की बात है, भ्रमित का बात है, उस पर कोई निर्णय नहीं होता। ठीक है, लौटूंगा सर आपके पास। ये भ्रमित करने की बात नहीं है, ये देश को भ्रमित तो प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं ना, जब उनको विकास की बात आता है तो मंदिर की याद आ जाता है, विकास के एजेंडे पर कहां चलते हैं वो, तो मंदिर के एजेंडे पर चलेंगे और धन के एजेंडे पर चलेंगे। विकास की बात अगर की जा रही है तो मंदिर की बात आपको पता है, जब मंदिर के बात होना चाहिए, कितना वहां पर टूरिज्म के लिहाज से चीजें संभावना, मंदिर के पैसे को चार्ज और क्या कह सकते जो 6 से 8 मंदिर पुनः ना, सुना होगा आपने। देखिए क्या है कि मंदिर तो चलेगा, हम धर्म के हम अनुयायी हैं, हम साधक हैं, हम तो हमारा सभी धर्मों से सबका जुड़ाव जिसका जिसका है अपने धर्म का पालन करता है, लेकिन जो आप मिशन लेके आए थे पहले भी आपका मिशन और मोदी की गारंटी चल रही थी, तो मोदी की गारंटी तो देश की सुरक्षा की व्यवस्था की गारंटी देते हैं, महिलाओं की सुरक्षा की गारंटी देते हैं, युवाओं की नौकरी की गारंटी देते हैं, मजदूरों का हाथ अरे कांग्रेस भी तो 55 वर्षों तक यही करती रही, उस समय कांग्रेस करती थी। सुनिए सुनिए भाई साहब, प्रदीप भाई, कांग्रेस करती थी तभी तो बेच रहे हैं प्रधानमंत्री जी, वो निरंतर जितने संस्थाओं को बेचने हैं 205 लाख, अरे उन्हीं के साथ गारंटी लेकर आई थी हिमाचल प्रदेश में, आपकी पार्टी की सरकार बनी वो भी कांग्रेस की गारंटी की देन थी, लेकिन अब कांग्रेस की गारंटी पर कांग्रेस के एमएलए कोई भरोसा नहीं है। मैं लौटूंगा सर आपके पास। संदीप चौधरी जी, वन नेशन वन इलेक्शन की जो लगातार चर्चा होती नजर आ रही है, बड़े ऐतिहासिक महत्वपूर्ण निर्णयों में से ये एक हो सकता है, विपक्ष लगातार बार बार कह रहा है कि भाई दिस इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल चीज, परिकल्पना से दूर है और ये सिर्फ चुनाव के लिहाज से मुद्दे उछाले जाते हैं, लेकिन सरकार कह रही है कि भाई हम लेंगे, सच्चाई में भी तब्दील करेंगे, आपकी प्रतिक्रिया। देखिए कुणाल, बड़े फैसले होते हैं मैं मानता हूं, प्रॉब्लम्स आती हैं मैं ये भी मानता हूं, लेकिन इस सरकार ने ऐसे कई फैसले लिए जिसकी हमने आपने कभी कल्पना नहीं की थी, उसमें आप सीए एनआरसी का आप देख लीजिए, जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटने का देख लीजिए, राम मंदिर का निर्माण देख लीजिए, और भी ऐसी कई चीजें हैं जिनके बारे में आज हम बात कर सकते हैं। तो ठीक है, मुश्किल है, लेकिन ऐसा नहीं है जब व्यक्ति चांद पे जा सकते हैं, आप चांद पे चंद्रयान उतार रहे हो आज की तारीख में हिंदुस्तान, तो ये तो अंदर का एक एडजस्टमेंट है, और मुझे लगता है कि इस तरीके की व्यवस्था अगर हो जाए तो बहुत अच्छा है, क्योंकि आज पूरे टाइम हर साल लगभग चुनाव होते हैं, कभी कई चुनाव हो रहे हैं, कभी कई चुनाव हो रहे हैं, तो ये इस तरीके का जो खर्च है वो बचाया जा सकता है, और जो हमारी व्यवस्था है, जो हमारे टीचर हैं, जो सरकारी लोग हैं जिनको इलेक्शन में झोंक दिया जाता है, जिस किसी का पढ़ाने का काम है, किसी का हॉस्पिटल्स में देख पेशेंट को देखने का काम है, अलग अलग चीजें हैं, तो वो अपने काम को प्रॉपर कर सकते हैं, अगर वन नेशन वन इलेक्शन वाली थ्योरी पे काम होता है, तो फैसला स्वागत योग्य है। ठीक है, लेकिन जो विपक्ष अपने तर्क दे रहे हैं सर, उसको भी आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। विपक्ष लगातार बार बार ये कह रहा है कि जब 4 से 5 स्टेट्स में इलेक्शन होते तब कितनी अनियमितताएं सामने आती है, तब कितनी छुटपुट घटनाएं सामने आती, तब ईवीएम को लेकर कितना सवाल उठता है, मैन पावर की कितनी कमी नजर आती है, सुरक्षा बलों की कितनी कमी नजर आती है, जब 5 से 6 स्टेट में इलेक्शन को एग्जीक्यूट कराने के लिए स्थितियां हैं, तो पूरे देश में लोकसभा से लेकर विधानसभा तक के जब चुनाव एक साथ आप कराने की सोच रहे हैं, तो भी एक बहुत बड़ी व्यवस्था की आपको जरूरत होगी, वो भी हिंदुस्तान जैसे देश में जहां पर 130 के आसपास मिलियन की आबादी है।
देखिए कुणाल, बहुत अच्छा सवाल है। आप ये देखिए, जब लोकसभा का चुनाव होता है तो हर एक वही वोटर जो विधानसभा में वोट डालता है वही बूथ पर जाता है, वही लोकसभा के लिए वोट करता है। ऐसे में अगर उसके पास एक ऑप्शन और होगा, या तो एक और ईवीएम मशीन होगी जिसमें विधानसभा के लिए बटन दबा सकता है, या उसके पास बैलेट पेपर होगा, तो मुझे लगता है कुछ बहुत बड़ी चीज नहीं है। वही स्टाफ जो लोकसभा का चुनाव कर रहा है उतने ही बूथ उसमें लगते हैं, उतने विधानसभा में लगते हैं, वही लाइनें लोकसभा में लगती है, वही लाइनें विधानसभा में लगती है। जितना वोटर लोकसभा में चुनाव वोट करता है उतना ही विधानसभा में वोट करता है, तो मुझे लगता है इतनी बड़ी चीजें नहीं है। हाँ, ये चीज जरूर है, कोई छोटी मोटी ऐसी चीज हो सकती है टेक्निकल जिन पे काम करने की जरूरत है, तो सरकार को काम करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन प्रदीप जी कई महत्वपूर्ण चीजें हैं जिसको लेकर लगातार विपक्ष आवाज उठाता नजर आ रहा है कि भाई विपक्ष को कॉन्फिडेंस में आप नहीं लेते। जब भी आप बड़ी महत्वपूर्ण चीजें लेकर सामने आते हैं तो आप विपक्ष को कॉन्फिडेंस में लेने की कोशिश नहीं करते, और वन नेशन वन इलेक्शन के लिए तो 2/3 मेजोरिटी आपको चाहिए ही चाहिए। अब ऐसे में जब विपक्ष लगातार कई मुद्दों को लेकर नाराज होता नजर आ रहा है, लामबंद हो रहा है आपके खिलाफ, तो ऐसे में जब इसको आप कॉन्स्टिट्यूशनली संविधान के हिसाब से आप जमीन पर उतारेंगे तो आपको विपक्ष को साथ लेना भी एक बहुत बड़ी चुनौती होगी। एक गणितीय फॉर्मूला है जिसको हम ही नहीं बहुत पहले से फॉलो किया था। हम दूसरे बिल पास कराए हैं, हमने इसको भी हमको पास कराना है। विपक्ष की क्या अहमियत रह गई है आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि विपक्ष अपने अहंकार को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, और देश की जनता किसी भी सांसद किसी भी प्रतिनिधि को ना अपना अहंकार लेकर नहीं भेजती है सदन में, अपने विश्वास अपनी सुरक्षा और अपनी अपनी प्रगति को ध्यान में रख करके भेजती है। तो जो इस प्रकार के लोग हैं जो कि जनता के भरोसे को तोड़ेंगे और सदन में आकर के अपने अहंकार को सर्वोपरि रखेंगे, तो आम चुनाव आने ही होने ही वाले हैं। और हम जो है जिन विचारों को लेकर के चुनाव के प्रचार के लिए जा रहे हैं, जनता उनको देखेगी समझेगी और तदनुसार उसी हिसाब से उसका उत्तर देगी, यानी मत देगी। आने दीजिए अगला चुनाव का। मोदी की गारंटी के बाद अब बड़े ऐतिहासिक फैसलों के नाम पर आखिरकार सरकार कितने बड़े फैसले जमीन पर उतारती है अगर ये तीसरा टर्म सामने आता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों खास मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। तो चुनाव मुआयने पर खड़ा है, दो महत्वपूर्ण महागठबंधन इस वक्त आमने सामने है, जनता के सामने बागडोर है कि आखिरकार वो किस पर आस्था जताती है, किस पर विश्वास जताती है, और जिस पर विश्वास जताया जाता है वो अगले 5 साल में देश को कितना विकास की गति दे पाता है, ये बड़ा सवाल है। यहां पर रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, खबरों का सिलसिला आगे जारी रहेगा। आप देखते रहें JK 24/7 News।